हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने तैयार किया है व्रत वाली आलू चने की सब्ज़ी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अभी हमारे यहाँ फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं इन 11 दिनों में आपको जो भी रेसिपीज़ बताऊंगी वो सारी व्रत वाली होंगी। आप क्या क्या बना सकते हैं व्रत में, क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आलू और चने की सब्ज़ी बनाई है, जिसे मैंने बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ तैयार किया है और बिना लहसुन और प्याज के मैंने बनाया है और सेंधा नमक इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपली आप इसे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती है व्रत वाली खाने में। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लें, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगी कि क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें ले रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल चीज़ें ली हुई हैं और बाकी जो सूखे मसाले हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने चने लिए हैं, इसे मैंने उबाल लिया है। 1 कप चना मैंने उबाल कर रख लिया है। 4 मीडियम साइज़ के आलू भी मैंने उबाल कर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमें इसका ग्रेवी तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर जीरा। ये हमें छौंक लगानी है। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, साबुत जीरा। 1 टीस्पून बेसन ले रही हूँ, जिससे सब्ज़ी बहुत गाढ़ी बनती है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चना लिया है। ये उबले हुए चने नहीं हैं, कच्चे चने हैं, जिसे हमें पीसना है, वो भी हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे बीच से काट कर आधे को मैंने चॉप किया है और आधे को ऐसे ही छोड़ा है, जिसे हमें पीसना है। और 1 हरी मिर्च ले रही हूँ, ये बहुत तीखी हरी मिर्च है, 1 काफ़ी होती है सब्ज़ी के लिए। मैंने इससे पहले मिर्ची की ब्लॉग में बताया था आपको कि किस तरीके से मिर्चियाँ हैं अलग अलग तरह की और मैं उसे यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमें जो सूखे मसाले चाहिए वो मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले हम आलू और चने को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून घी डालें। घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। यहाँ मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे अच्छे से फ्राई कर लें। 30 से 40 सेकेंड फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चना। इसे भूनने से इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसे बिना भुने भी तैयार कर सकते हैं, बट भूनने के बाद इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। मिक्स कर लें। इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक भून लें और जब ये भुन जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें कुछ पेस्ट तैयार करनी है। इसे निकालने के बाद हम सबसे पहले अपने पेस्ट को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर लिया है, उसके बाद मिर्ची और अदरक। ये 3 चीज़ें हमें पेस्ट तैयार करनी है। इसे निकाल लें, अलग रख दें। और अब इसी जार में मैं चने का पेस्ट तैयार करूँगी। इसे डालकर इसमें लगभग 1 चम्मच पानी ऐड करें, पेस्ट तैयार कर लें। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हमारा बेसिक पेस्ट सारा रेडी है। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें 2 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें चुटकी भर हींग डाल दें। हींग के बाद हमने जो जीरा लिया था, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, वो ऐड करेंगे। इसे क्रैकल होने दें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक, जो हमने बिल्कुल चॉप करके रखी हुई थी। इसे लगभग 1 मिनट तक भून लें। और अब इसमें बेसन ऐड करें। बेसन डालने पर सब्ज़ी बहुत गाढ़ी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। 10 से 15 सेकंड के बाद इसमें ऐड करें हल्दी। यहाँ मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। इसे मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। यहाँ मैंने कलर के लिए रेड चिली पाउडर डाली है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि मिर्ची मैंने पहले से डाली हुई है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी वाली मिर्ची इस्तेमाल कर लें। कुछ देर भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट निकाला था, उसमें से मैं इसमें 3 टीस्पून पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लें। अभी आधा पेस्ट जो हमारा बचा है उसे हम साइड में रख देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लें। भुन जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस हमें इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। मिक्स कर लें।
और अब इसे लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लें। हमें फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि मसाले ना जलें। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट में हम इसके बाद ऐड करेंगे जो हमारा बचा हुआ पेस्ट है टमाटर का, वो पहले इसे अच्छे से भून लें। जब मसाले अच्छे से पक जाएं तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमाटर का पेस्ट। मसाले भून चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल लें, उसके बाद ऐड करें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है आप स्किप कर दें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमारा बचा हुआ पेस्ट था टमाटर का। पेस्ट डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है और जब तक तेल बाहर ना आने लगे हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें लगभग 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। फ्लेम आप मीडियम रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल अच्छे से बाहर आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारे सारे मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। इसे एक बार मिक्स कर लें और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें, मिक्स कर लें। और इसे 30 से 40 सेकंड तक भून लें। हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चने का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने पेस्ट डाल दिया है, डालकर इसे मिक्स कर लें। चने का पेस्ट ऐड करने पर हमारी सब्ज़ी बहुत गाढ़ी बनती है और बहुत टेस्टी बनेगी। आप एक बार इसे ट्राई करें, स्वाद में काफ़ी अंतर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं, ऑयल अच्छे से बाहर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे आलू और चना। आलू और चने को डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिल जाए। इसे मैंने बहुत बढ़िया से भून लिया है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। यहाँ पे मैं 2 बड़ा कप पानी ऐड करूंगी। पहले 1 कप पानी ऐड करें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से उबाल आ चुका है, मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे पानी जो हमने दूसरी वाली कप रखी हुई है, डालकर और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे ढककर छोड़ दें लगभग 5 से 7 मिनट, इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, आप गैस ऑफ कर दें और इसे सर्व कर लें। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसे 3 मिनट तक उबाल लें। सब्ज़ी बनकर रेडी है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। टेस्टी आलू चने की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे चपाती या फिर चावल के साथ में सर्व करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है क्योंकि ना हमने इसमें लहसुन इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें प्याज इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई, आपने इसे इंजॉय किया। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी बहुत सारी नई रेसिपीज़ के साथ, बहुत सारी व्रत वाली रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।